हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीवी कुंडू क्लास 12 बैचेस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीवी कुंडू ग्रैंडसन, इस बार जो मार्च में 23 अकाउंटेंसी क्लास 12 डब्ल्यूबी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका ये जो टेस्ट पेपर है उससे मैं अभी डेढ़ मंथ से आपको कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सबसे मैंने पहले 2022 का ईयर पेपर सॉल्व किया, उसके बाद मैं 2019 और 18 मैंने पिछले साल बीवी कुंडू के बुक से ही कर दिया था। फिर मैंने किया महेश्वरी विद्यालय, बहुत अच्छा संस्था, तांतिया हाई स्कूल मैंने इस बुक से किया, महेश्वरी विद्यालय किया। 2022 का ईयर पेपर तो मैंने कहा ना, तो तांतिया हाई स्कूल जो है 2016 ईयर पेपर का से आधा से ज़्यादा सम पूरा जीरोक्स है। और तो इस हिसाब से आपको पिछले साल 2019-18 का मैंने दिया था, इस बार 22 का मैंने दिया और तांतिया के हिसाब से 2016, तो 4 साल आपके हो गए। और स्कूल पेपर में मैंने इस बार महेश्वरी विद्यालय का दिया है, तांतिया का तो दिया ही है, उसके बाद मैंने द पार्क इंस्टीट्यूशन दिया, फिर उसके बाद मैंने दिया द स्कॉटिश चर्च सेलिगेट स्कूल का मैंने दिया। देखिए मैं पीछे के आंसर से मैं सीरियल वाइज चल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया है, ये रहा, सबसे पहले मैंने दिया 2022 का जो कि पेज नंबर 28 था, फिर मैंने दिया ये 2019 था, ये लास्ट ईयर बीबी कुंडू से मैंने 1918 पीयर सॉल्व कर दिया था इसलिए इस बार नहीं की। श्री महेश्वरी विद्यालय मैंने दिया 440 पेज है, तांतिया हाई स्कूल पूरा 2016 से आधा से ज़्यादा सम मैच है, 485 है, सब नहीं है, कुछ कुछ है लेकिन बहुत अच्छा सम है ये दोनों स्कूल के सम में, आप कर लीजिएगा। तब फिर मैंने दिया द पार्क इंस्टीट्यूशन जो कि 573 पेज में है, फिर मैंने दिया द स्कॉटिश चर्च कॉलीगेट स्कूल, ये भी मैंने पूरा अपलोड किया। इसका इतना जो ग्रुप ए और बी जो है ये पूरा जीरोक्स है द पार्क इंस्टीट्यूशन का, इसलिए मैंने ग्रुप ए बी सी तीनों, ग्रुप डी से आपका एडमिशन खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट और कैश फ्लो जो कि यहाँ से है तो ये डिफरेंट है इससे, तो इसलिए ग्रुप डी आप देखिएगा, और ग्रुप ए बी सी इसका पूरा मैच है इसलिए वो मैंने अपलोड फिर से नहीं किया। उसके बाद मुझे कमेंट आया और मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट को ज़रूरत था थोड़ा, इसी वजह से मैं सी एल वाइज नहीं चल रही थी, तो इस उसके बाद मैंने ये स्कूल का आप लोगों को आज दे रही हूँ मैं, ये झारग्राम कुमुद क्या है कुमुद कुमारी इंस्टीट्यूशन जो कि पेज नंबर है 637 और अकाउंटेंसी का जो सॉल्व है वो 646 है, तो आज मैं ये दे रही हूँ, तो इसका पेज नंबर ओपन खोलिए 646, ये रहा बुक है, क्या है नाम द कुमुद कुमार झारग्राम कुमुद कुमारी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पेज नंबर है आपका 646 अकाउंटेंसी का, तो इसका मैं दे रही हूँ, बहुत ही अच्छा पी एल एप्रिपरेशन है, बिगनिंग एंड सब आया हुआ है जो कि आप लोग ढूंढते ही रहते हो सम। और वैसे मैं ये बोल दूँ कि अगर ये सब वीडियो कर ये सब सम बनाने से पहले इस बुक का मेरा बासुन दत्ता का जितना भी पार्ट वन वीडियो जो अपलोड हुआ है पिछले साल उसका सम देख लीजिएगा, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका एक्सपर्ट सेक्शन जो रूल सब है वो सब आप देख लीजिएगा तभी ये सब सम बनाइए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट समझे बगैर, तो वो सब समझ के ही आप सम बनाइएगा क्योंकि मैं तो बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसीलिए। तो चलिए, बासु हरीश यादव पार्टनर से तीन पार्टनर है, उसके 50-40-30,000 है, ये सब तो आपको पता ही है। यहाँ देखिए 40% 30% आपको शेयर प्रॉफिट बोला है, विड्रॉ जो है ड्रॉइंग वो देखिए 1000 पर मंथ बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ है, बिगनिंग में 6.5/12 लेते हैं, मेरा पार्ट वन वीडियो देख लीजिएगा बासु दत्ता का, वहाँ पूरा अच्छे से लिस्ट दिया हुआ है। 1000 पर मंथ है मिडिल ऑफ द ईच मंथ 6/12 और 1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब 5.5/12, ठीक है, प्रीपेयर पीरियड प्रिपरेशन करना है और ये तो बाकी आपको पता ही है, कमीशन प्रिपरेशन रिजर्व ये सब, इसको और भी अच्छे से आपको और भी चाहिए क्वार्टरली ये वो, तो मेरा पीएल प्रिपरेशन का पार्ट वन बासु अंदता का देखिए, वहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से लिस्ट ही दे दिया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन में, ये रहा सम नंबर का पेज अकाउंटेंसी का 646 है और स्कूल का है 637, झारग्राम कुमुद कुमारी इंस्टीट्यूशन बीबी कुंडू 2023 का इस ईयर का 23 का टेस्ट पेपर से। इन द बुक्स ऑफ वासु हरीश यादव प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिपरेशन अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2021, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीज़। सबसे पहले नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे दिया था 50,000 मैंने ले लिया, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 1000 करके पर मंथ था, तो पर मंथ है 1000 करके सबका है, तो 1000 मैंने लिया, पर मंथ था इसलिए सबका इंटू 12 किया, 10% आपका बुक में दिया हुआ था, बासु का बोला था बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ इसलिए 6.5/12,
इसका मिडिल बोला था इसलिए 6/12, और जादव का आपका बोला था एंड ऑफ द ईच मंथ बुक में तो इसलिए 5/12। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 650, इसको सॉल्व कीजिएगा 600, इसको सॉल्व कीजिएगा 550, टोटल आपको 1800 यहाँ से तो आपको ये मिल गया। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका बासु का 50,000, हरीश का 40,000 और जादव का 30,000 है, 10% करके है तो इतना आया, टोटल 12,000 आया। टू सैलरी आपको बोला था कि हरीश और जादव ही लिया है पर मंथ 500 करके, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं होगा, ये दोनों सिर्फ 500 है, ठीक है। ये सैलरी, टू सैलरी अकाउंट किसका, हरीश का और जादव का, 500 × 12 = 6,000, फिर 500 × 12 = 6,000, ठीक है 500 ही होगा, फिर 1 ब्रैकेट था मेरा भूल से वो 1 लिखा गया, तो टोटल कितने हो गए 12,000, ये रहा 12,000, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए कमीशन आपका 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट बोला है, तो नेट प्रॉफिट आपका 50,000 है, उस पर नेट प्रॉफिट पे मैंने 5% ले लिया तो आपको कितना मिल गया 2,500। उसके बाद आपको बोला था कि ये जनरल रिजर्व, वो आपको बोला था जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करने किसका, ये देखिए जनरल रिजर्व कैरी टू रिजर्व 40% बासु 30% हरीश टू जादव एंड 10% कैरी टू जनरल रिजर्व। यहाँ पे ये नाम नहीं दिया तो मैंने एक बार तो आप नेट प्रॉफिट ले ही लिए हैं इसीलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे ये किया, तो ये दोनों को ऐड कर लिया 51,800, उससे ही 12,000 माइनस किया, कमीशन 2,500 माइनस किया, 12,000 इसका 12,000 माइनस करके 2,500 माइनस किया तो आपको मिला 25,300, उसका 10% बोला है रिज़र्व। देखिए ऐसे भी पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल लाइन में है रिज़र्व, तो आप समझ सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल ही दिया होगा, ठीक है ये याद रखिएगा। यहाँ पे बोला भी है रिमेनिंग प्रॉफिट आर बी डिवाइडेड एज फॉलोज, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसी पे ये डिवाइडेड करना है, तो इसका मतलब ये रिजर्व जो है ये किस पे है, डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब जो बैलेंस वाला प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे मत कर दीजिएगा क्योंकि वो पहले ही हेडिंग में दे दिया है। तो ये हो गया 10% 2,530, तो यही आपका यहाँ तक आया था, तो इससे इसको माइनस करें तो आपको मिला कितना, देखिए ये 25,300 से इतना आया ना, तो इसी पे बोला था रिमेनिंग पे, इसीलिए 25,300 से 40% 30% या 20% मैंने लिया तो आपको ये मिल गया, ठीक है। तो आपको ये मिल के 1 मिनट, यहाँ भी प्रिंटिंग, देखिए ये वाला 25,300 से ये माइनस हुआ तो माइनस होके आपको मिला 22,770, तो 22,770 को आप 40% 30% और 20% निकालिएगा तो आपको मिलेगा 1,120, 7,590, 5,060 इस अमाउंट पे तीनों को निकालिएगा, ये तीनों मिल जाएगा, देखिएगा टोटल यही होगा, ठीक है ठीक है। यहाँ पे मैंने जो ये लिख दिया ये रॉन्ग है, ये नहीं होगा, ये अमाउंट लीजिएगा 22,770 लिख दे, प्रिंटिंग लिखने में ये हो गया, यही अमाउंट आप यहाँ तीनों का लिखिएगा, ठीक है ये अमाउंट और इसका 40% 30% 20% इसका लीजिएगा, हाँ ठीक है। तो ये आपको मिल गया, तो आपको ये रहा आपका सम। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।